मान्य स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट, आज का टॉपिक हम और हमारा समाज। देखिए, ये आपके गद्य खंड का अंतिम लेसन चल रहा है। इसके तीन पैरा, जैसे से पांच पैरा दिए गए थे, दो आपके पढ़ गए, मतलब एक पढ़ गया, दूसरा आज हम पढ़ा रहे हैं, तीन और बचे हैं। इस सप्ताह आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जब सोमवार से स्कूल खुलेगा तो आपका रिवीजन और चलेगा इंटरमीडिएट में। सारा लिख गया है और सारा पढ़ गया है। अब रिवीजन में जो चीज़ नहीं आती है वो कुछ नहीं है, या जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है वो पढ़ानी है, इस तरह से पढ़ाई होगी। अब इस बात का हेड नहीं रहा कि हमारा कोर्स पिछड़ा है, हमें ये बाकी है। केवल कापियों पर फोकस रहेगा, शक्ति के साथ कापियों का निरीक्षण होगा। जिन्होंने निरीक्षण कराया, कापी का काम कराया जाएगा, कापी पूरी कराएंगे और रिवीजन कार्य चालू होगा, तैयारी होगी। और जब ये रिवीजन एक बार करा देंगे बुक से, फिर एक महीने बाद क्वेश्चन बैंक चालू करेंगे, फिर तीसरे बार क्वेश्चन बैंक से समझाएंगे, पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंट, परीक्षा सब कुछ चलती रहेगी। इसलिए आपका इंटर ग्रेड का कोर्स इसी सप्ताह समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये पहला है विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल ढल गई। ये पहला दिया है, इसी में से आपको प्रश्न छापते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, गद्यांश के पाठ का नाम हम और हमारा समाज। लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न दो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, आप देखिए रेखांकित व्याख्या है, जैसे लेखक कहता है कि जो देश विकसित है, विकसित और विकासशील दो तरह के होते हैं। विकसित है जो संपूर्ण सभी प्रकार से संपन्न है, कोई अधूरा नहीं है। जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुए, जितने देश हैं ये विकसित देश में कह जाते हैं। तो जो विकसित देश हैं उनकी समृद्धि के पीछे कहते कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, न कोई बड़ी कहानी है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल ढल गई। अब यही इसमें ध्यान लिखा है कि यदि विकसित देशों के इतिहास को देखा जाए तो यही पता चलता है कि इन देशों के लोगों की प्रत्येक पीढ़ी ने बहुत अधिक समय तक अपने मन में इस विश्वास को मजबूत किया कि उन्हें अपने देश को अधिक से अधिक मजबूत बनाना है, अपने देश को प्रत्येक स्थिति में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाकर अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनाना है। उन्होंने निश्चय किया वे हमें अपने ही देश में सब प्रकार से संपन्न जीवन व्यतीत करना है। ये व्याख्या बना के लिखी गई है, तभी व्याख्या बनी नहीं तो नहीं बन पाती। प्रश्न नंबर 3,
किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है? उत्तर है विकसित देशों में समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। चार, G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है? उत्तर, विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न पांच, G8 के देशों के लोगों ने किस विश्वास को पुख्ता किया? उत्तर, G8 के देशों के लोगों ने इस विश्वास को पुख्ता किया कि उन्हें एक मजबूत और समृद्ध देश से अपना जीवन व्यतीत करना है। ये हो गया एक छोटा पहला था, इस प्रकार इसको देख लेना और अच्छे ढंग से, अब 3 पैराग्राफ और उसके बचे हैं जो समाप्त हो जाएंगे।